जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनिया लाडो लाडियो, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अभी कुछ ही दिन पहले सीआरपीएफ का एक नोटिस आया था जिसमें 1,29,000 पदों का वैकेंसी बताई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ वही वैकेंसी अब कब आएगी, कब इसका एग्जाम होगा, पूरी डिटेल के साथ आ चुकी है। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज है। और जो बच्चे अभी इस वैकेंसी में फेल हो गए हैं, पेपर में किसी कारणवश रह गए हैं, उनके लिए भी बहुत ही शानदार वैकेंसी आ गई है वापस से एसएससी जीडी की। क्योंकि जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट एसएससी जीडी पर ही रहता है। और जैसे ही पेपर में बच्चे फेल हुए थे या कुछ बच्चे रह गए थे उसके बाद में काफी निराश हो रखे थे, सर अगली वैकेंसी कब आएगी, अगली वैकेंसी कब आएगी। तो उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है अगली वैकेंसी कब आएगी और कितने पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। लाडलू आप सभी को पहले से ही मैंने बताया था कि जून जुलाई के महीने में आप जो एसएससी की ओरिजिनल वेबसाइट है उसका जो कैलेंडर है उस पर आप देख सकते हैं एसएससीडी अगली वैकेंसी को। और अगर लाडलू आप आज से तैयारी करेंगे एसएससीडी की तभी आप इस बार एसएससीडी में अपना नंबर पक्का कर सकते हैं। क्योंकि जो वैकेंसी के बारे में अपडेट है ये 100% जेन्युइन है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है। अगर आप जाके देखोगे कहां पर देखना है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये ओरिजिनल जो वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है। लाडलो ध्यान रखना गृह मंत्रालय की ये वेबसाइट है जिस पर कोई भी नोटिस आता है तो वो लीगल होता है। और इसकी ट्विटर जो साइट है वो भी पीआईबी के नाम से है, तो उस पर जाकर भी आप ये नोटिस देख सकते हैं। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ, तो सीएपीएफ कौन सा, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस यानी एसएससी जीडी सीएपीएफ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। अब ये मंजूरी कब दी गई है उसके बारे में भी आगे भी देखना। इसमें इसमें लिखा हुआ साथ ही ये ऐतिहासिक निर्णय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। इसमें देखो इस प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिशा, उर्दू और पंजाबी, मणिपुर, कोंकणी में तैयार किया जाएगा। अब जो एसएससीडी का पेपर आएगा इन 13 भाषाओं में आएगा, यानी जो आने वाला पेपर है वो 13 भाषाओं में आएगा। और इतने पदों पर वैकेंसी, अगर आप आज से तैयारी में जुड़ जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा एसएससीजीडी के लिए अग्रिम बैच चलाते हैं। तो जो भी बच्चे कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए लाडलो अग्रिम बैच से एसएससीजीडी के लिए। आपको आज से तैयारी करने की जरूरत है ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सको। बहुत सारे बच्चे अकेडमी में अंतिम समय में आते हैं फिर बोलते हैं सर हमारा रिजल्ट बन सकता है क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है। और ये वैकेंसी में अब ज्यादा समय भी नहीं है देखना आगे। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षा में एक है जिसमें देश भर में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। कब से होगा, 1 जनवरी 2024 से होगा। लाड लो ध्यान रखना यानी एग्जाम डेट है ये, यानी एग्जाम जो डेट है वो है आपकी लाड लो 1 जनवरी। मैंने आपको पहले बताया 1 जनवरी की जगह मान के चलिए 1 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू होंगे। तो ये वैकेंसी कब आएगी, फिर वैकेंसी आएगी जून जुलाई में और इसके फॉर्म भरे जाएंगे जून या जुलाई महीने से। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर से ये वैकेंसी आपकी पूरी 13 से आप सब जगह देख लो इसकी नोटिफिकेशन जून जुलाई में। और मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर से फॉर्म भर के जनवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ये जनवरी में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। यहां आपके परीक्षा का आयोजन लिखा हुआ है ध्यान रखना, भर्ती नहीं, यानी आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा जनवरी में एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। और ये ओरिजिनल नोटिस है आप खुद जाके देख सकते हैं पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए। तो लाडलो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से देखिए, ये 13 लैंग्वेज है, असम, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोंकणी। अब तक ये केवल 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आ रहा था, अब इन सभी लैंग्वेज में ये आएगा। और इसके बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है वो सब देखो यहाँ पर। एक कांस्टेबल जनरल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है जिसमें देश भर के लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन
1 जनवरी 2024 से होगा परीक्षा का आयोजन। दो बार लिखा हुआ इस नोटिफिकेशन में कि परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 में होगा। तो अब देख लीजिए आपके पास में कितना समय अप्रैल आ गया है, मई और जून, जुलाई के महीने में आप इसकी नोटिफिकेशन देख पाओगे। लाडलो ध्यान रखना, जो आपका जुलाई का महीना रहेगा उसमें आप इसकी नोटिफिकेशन देखोगे। और इसके लिए जो योग्यता है वो सेम योग्यता रहेगी, 10वीं पास, ठीक है। एज का क्राइटेरिया, एज में अभी तक छूट के आसार नहीं है, तो 18 से 23 साल रह सकता है, अगर छूट मिले तो ये 26 साल तक जा सकता है, ध्यान रखना। और ओबीसी एससी एसटी को सेम वैसी छूट है, चाहे ओबीसी एससी और एसटी के लिए वही छूट है जो पिछली थी, सेम पेपर का सिलेबस सेम है, जो पेपर है ये सेम है, पेपर का जो सिलेबस है लाड लो सेम सिलेबस रखा है पेपर का भी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। ये जो वैकेंसी है लाड लो ध्यान रखना, आपको जून और जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब तो इसका 100% नोटिस है, तो हो सकता है कि महीना दो महीना नोटिफिकेशन, वैसे तो जल्दी आई थी पिछली बार, तो इस बार भी जल्दी आने के चांसेस है। पिछली बार वो वैकेंसी की तो नोटिफिकेशन है दिसंबर में आने वाली थी, जो कि अक्टूबर में आ गई थी लाडो ध्यान रखना, तो इस बार जून जुलाई हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन जून जुलाई में ये नोटिफिकेशन आएगी, सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी से आपके एग्जाम की डेट इसमें दी हुई है ऑफिशियली। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की या जो पिछले पेपर में रह गए उनको आज से लग जाना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अग्रिम बैच ज्वाइन कर लीजिए आज से। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो भी अकेडमी में नए बैच शुरू हो रहे लाडलो, आने वाली 25 तारीख से आप अकेडमी आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।